हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विक्रमाज एडुटेक। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही होंगी, मतलब कि एक मेरा तो ये वाला फेस दिख रहा होगा कंफ्यूज सा। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई मिल रही होंगी आपको कि दिल्ली सर्विसेज बिल पास्ड, मतलब ये कि आप मेरे साथ साथ आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। चलिए समझते हैं इत्मीनान से कि आखिर बात क्या है ऐसी। तो मतलब बात ये है कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर से अब तक पढ़ लिया होगा कि कल रात को बहुत ही गहमा गहमी के बीच और काफी गर्मा गर्म डिस्कशन के बीच बिल पास हो गई दिल्ली सरकार, दिल्ली सर्विसेज बिल। ये जो बिल का नाम था दिल्ली सर्विसेज बिल, पहले ये एक अध्यादेश के फॉर्म में आया था, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था। उसके बाद इसको कल, पहले तो लोकसभा में पास हो चुका था, कल इसको राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया और राज्यसभा में ये पास कर लिया गया। मतलब कि अब सिर्फ राष्ट्रपति का मोहर लगना बाकी है और ये बिल क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। मतलब ये कि कंफ्यूजन की स्थिति हर जगह पे है कि आखिर ये बात क्या है कि इसमें इतना ज्यादा इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इस अमेंडमेंट को समझेंगे कि आखिर GNCTD जो अमेंडमेंट था उसका मतलब ये था कि आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली जो है एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है। जितने भी यूटीज हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे जो बेसिक्स हैं कि जितने भी यूटीज हैं उसकी जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलती है, केंद्र सरकार के द्वारा चलती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कुछ ऐसी यूटीज भी हैं जहां पे जो शासन है वो ड्यूअल पद्धति पे चलती है। मतलब ये कि वहां अपनी विधानसभा भी है, वहां के मुख्यमंत्री भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर विधानसभा है तो वहां पे मुख्यमंत्री होंगे ही होंगे, वहां पे मुख्यमंत्री भी होते हैं और उसी के साथ साथ उनका अपना एग्जीक्यूटिव होता है, उनका अपना लेजिस्लेटिव होता है। लेकिन केंद्र सरकार अपना नियंत्रण वहां पे रखती है और अपने आप को नियंत्रण रखने के लिए, अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक ऑफिस है वहां पे जिसको बोलते हैं LG। ये नाम तो आपने पिछले 7-8 वर्षों में इतनी बार सुना होगा जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर में। उसके बाद से तो ये नाम इतनी बार आप लोगों ने सुना होगा कि अब आप इसके अभ्यस्त हो गए होंगे इस नाम के। तो LG का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो मतलब ये कि आखिर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो रूल कैसे करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑब्वियस सी बात है, अगर चुनी हुई सरकार है तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो भूमिका उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक पूर्ण राज्य में। मैं पूर्ण राज्य क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली जो है एक अर्ध राज्य है। पूर्ण राज्य आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा या फिर जो लोग करेंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं उनको भी पता होगा कि बहुत बार ये मांग उठ चुकी है कि आखिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। पहले मैं चलता हूं पहले स्क्रीन की तरफ जहां मैं कंफ्यूज हूं। कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि मैं कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है। खैर, हमें पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन रेफरेंस के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पॉलिटिक्स इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है यहां पर कि हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। तो आखिर समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन अब समय आ चुका है कि जनता को पूछना चाहिए अपने पॉलिटिशियंस से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से। जैसे वो मुक्ति बोध का एक लाइन था ना कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो मतलब कि सिटीजंस को भी अपने राजनेताओं से पूछना चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहिए कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। मतलब ये कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, मतलब कि कांग्रेस केंद्र पे शासन कर रही थी और बीजेपी दिल्ली में रूल कर रही थी, उस वक्त बीजेपी का खुद ये बोलना था कि हमको चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा, उसी के साथ साथ जितने भी ऑटोनॉमी है वो हमको सबका सब चाहिए। लेकिन जैसे ही रिवर्स हुआ, आम आदमी पार्टी आ गई दिल्ली की राजनीति में, हावी हो गई, और बीजेपी वाले आ गए केंद्र की राजनीति में, वहां से चीजें और बदलनी शुरू हो गई
और अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जो बीजेपी ये बोलती थी कि दिल्ली को केंद्र राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सॉरी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वही अब वही बीजेपी उसके पर कतरने में लगी हुई है। तो खैर ये पॉलिटिक्स है, हमें पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, हम आते हैं अपने फैक्ट पे। अब आते हैं हमने हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने रेफरेंस के लिए पॉलिटिक्स बता दिया आपको, अब पहुंचते हैं फैक्ट की तरफ, जो हमारा फैक्ट है। तो बात कुछ इस प्रकार है, पहले हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, अब पहले इसको इरेज कर लेते हैं, सॉरी। ईयर 1991 में क्या हुआ था कि दिल्ली में पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना करी गई थी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूटीज ने सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ यही दो यूटीज है जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 30, और दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 70। ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स बैठते हैं। क्योंकि ये दोनों राज्य हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, दिल्ली तो खैर मतलब समझो कि सालों भर किसी न किसी वजह से चर्चा में बना ही रहता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाले फैक्ट याद हो जाने चाहिए। अब हुआ क्या था कि 1991 में GNCT करके एक एक्ट आता है। GNCT का क्या मतलब होता है? गवर्नेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। उसके बाद 1991 में जब ये एक्ट आता है तो इस एक्ट में बोलना ये था कि दिल्ली का अपना क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। उसी के साथ साथ क्या बोला गया था, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो उसके साथ क्या होगा, उसका अपना चीफ मिनिस्टर होगा, सीएम होगा। अगर उसका अपना सीएम होगा तो उसी के साथ साथ क्या होगा, उसी के साथ साथ उसके कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, 10%। मतलब कि ये जो 70 है, 70 में से 7% ही एग्जीक्यूटिव मतलब कि मंत्रिपरिषद के भाग होंगे। ये आर्टिकल जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल था, पहले मैं इसको इरेज कर लूं, वो आर्टिकल था 239A and 239B। आपको पता होगा कि सब क्लोज जब भी आता, सब क्लोज ए और सब क्लोज बी, ये तभी आता जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता। तो 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये सारे प्रोविजंस किए गए थे इसके थ्रू, कि मतलब ये कि इसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी चीजें होंगी वो सब के सब किसके द्वारा किया जाएगा, सब के सब ये सारे प्रोविजंस होंगे दिल्ली के असेंबली के लिए। उसके साथ ही साथ सीएम के एडवाइस पे एलजी काम करेंगे। लेकिन तभी लफड़ा जहां से शुरू हुआ जब 239B इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब कि एलजी इनके द्वारा लिए गए डिसीजन पे क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कि प्रेसिडेंट साहब आप सुझाव दीजिए कि ये वाला बिल, ये वाला एक्ट या फिर ये जो सर्विसेज है ये चलनी चाहिए या फिर नहीं चलनी चाहिए। यहां तक सब कुछ ठीक था। फिर आता है साल 2015। जब साल 2015 आता है, 2015 में क्या होता है वो जान लेना चाहिए। अब आप इस बात को समझिए कि 2015 वो साल था जब नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रियता के लहर पे थे। मतलब ये कि वो अभी करीब करीब 300 सीट्स के साथ एनडीए के साथ वो आए थे, अपनी सरकार बनाई थी केंद्र में। उसी के साथ साथ वहां पे होता है दिल्ली में इलेक्शन, और दिल्ली में इलेक्शन हार जाती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी 69 सीट्स के साथ आउट ऑफ 70 सीट सरकार बनाती है। उसके साथ साथ शुरू होती है कहानी जहां से सह और मात का खेल शुरू होता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि भाई अब तो हम दिल्ली को अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे। वहां पे एक चीज आती है कि हम सर्विसेज को भी अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करेंगे। मतलब ये
कि जो आईएएस और आईपीएस जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनका जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो पावर है वो भी कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, इसमें भी मैं अभी आता हूँ, एक और पॉइंट छूट गया है, पहले मैं ये वाला क्लियर कर लूँ। तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल किया जाएगा अभी एलजी के द्वारा। और आपको पता है कि एलजी एक अपॉइंटेड पर्सन है, ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए पर्सन नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं चुने गए हैं, ये तो ब्यूरोक्रेट साइड काइंड ऑफ पर्सन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से इंपोज करती है दिल्ली के ऊपर, जिस तरीके से राज्यों में इंपोज करती है गवर्नर को, उसी तरीके से एलजी को भी इंपोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हुआ क्या कि अब ये 2015 से चर्चा शुरू हो गई कि सर्विसेज को भी कौन कंट्रोल करेगा, एलजी, और एलजी किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ऊपर के द्वारा, मतलब कि ये सीधे होम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर था ये भी केंद्र सरकार के पास था, मतलब कि जो सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे उनके पास भी ये पावर था। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अब ये बताओ कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होती है, पुलिस के पास। तो पुलिस भी किसके पास चला गया, पुलिस का भी जितना भी पावर है सब होम मिनिस्टर के पास। तो ऑलरेडी ये ऐसे लॉयन थे जिनके पास कोई तिथ नहीं थी, अब इसके साथ साथ जब आप सर्विसेज को भी अपने हाथों में ले लेंगे तो मतलब ये कि इनके पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे दिल्ली में, कोई भी मुख्यमंत्री बने। अब आते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर कि अमेंडमेंट्स किन किन चीजों में हुई थी। खैर अब ज्यादा मीनिंगलेस नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो जीएनसीटी का जो सेक्शन था 21, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, ये सारे सेक्शन को अमेंडमेंट किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और बोला गया था कि हम दिल्ली की गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया है, मतलब कि दिल्ली की गवर्नेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हम ये सारे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। तो फाइनली अब ये राज्यसभा के और लोकसभा से पास हो चुका है। जैसा कि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि कोई भी बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का एसेंट की जरूरत होता है। जैसे प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं, ये बिल जो है क्या बन जाता है, ये बिल एक्ट बन जाता है या फिर लॉ बन जाता है। अब जैसे ही लॉ बन गया ये तो अप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी दिल्ली सर्विसेज बिल की, जो की राज्यसभा से ही पास हो चुका है। मतलब ये कि अब सिर्फ प्रेसिडेंट साहब इस पे उनपे ऊपर डिपेंड करता है, जब वो साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे इस बिल पे, उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। खैर अभी जुडिशियरी भी बीच में आता है कि अब जुडिशियरी भी क्या कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है, लेकिन उसके बाद ही पार्लियामेंट तो सोवरेन है इंडिया के अंदर, मतलब कि सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके बाद उसके पास ही पावर्स है कि उसको भी अमेंड कर सके। तो फ्रेंड्स ये था फिलहाल का अपडेट मेरी तरफ से। जैसे इसमें कोई फर्दर अपडेट्स होता है, मतलब कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, तो हम आपको उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करेंगे और चीजों को आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।